आगे निकल गए। जब हम लोग भी, मेरे वालिद साहब वो लोग भी खेती किया करते थे, हम लोग भी खेती बहुत करीब से हम लोग भी किए हैं, लेकिन जब वालिद साहब लोगों का दौर खत्म हुआ, जब हम लोग आए तो हम लोग ने देखा कि लोग भी हमसे जो पीछे तो बहुत लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ ही लोग आए थे बहुत आगे निकल गए। तो हम लोग भी इसी में किस्मत आजमाया जाए, हम लोग भी मेहनत किए और अल्लाह का करम है कि हम लोग भी इसमें आगे तक पहुँचे और माशाल्लाह हम लोग और भी मेहनत कर रहे हैं और आज तो लोग खुश हैं। और क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यह है कि हम लोग, हमारा जो ये है तिजारत से वाबस्तगी भी होनी चाहिए। हम लोग आज नौकरी के पीछे भागते हैं, जहाँ हम लोगों के लिए खास करके हमारी मिल्लत के लिए नौकरी मिलना बहुत ही समझिए ये मतलब टेढ़ी खीर है। तो हम लोग नौकरी करने के बजाय अगर तिजारत को ये करते हैं तो हम लोग नौकरी दे सकते हैं सबको। आज अगर तबियत साहब अगर ये होटल खोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 स्टाफ आगे पीछे करेंगे या काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 10 आदमी को रोजगार दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे तिजारत की तरफ हम लोग जुड़े, तिजारत में बहुत अच्छे मौके भी हैं, तो अगर मेहनत करेंगे और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। आप अगर एक एक तिजारत का मतलब जो बिजनेसमैन का अगर आप स्टडी कीजिएगा तो बहुत से आज अंबानी का नाम सुन रहे होंगे, तो उनका जो शुरुआत था तो वो नौकरी क्या करते थे इसमें क्या करते हैं पेट्रोल पंप वहाँ से शुरुआत कर, यार हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी में शुमार है उनका। तो इस तरह का या जब क्या कहते हैं दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है या बिल गेट्स हो या जो भी लोग हैं उनका जो आप जिंदगी का अगर मुताला कीजिएगा तो बहुत मामूली से शुरुआत की थी। तिजारत में बहुत बरकत है, हम लोग अगर तिजारत करें और मेहनत करें उसमें तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम लोग कोशिश करें कि आने वाले दिन हमारे जो नौजवान खास करके आज नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो वो अगर ये कोई भी तिजारत हो, काम कोई छोटा नहीं होता, किसी भी काम को आप करिएगा अगर लगन से और मेहनत से कीजिएगा तो उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अल्लाह उसी में आपको बरकत देगा। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग तिजारत में आएँ। शुक्रिया।